For more Bollywood gossips, hit the bell icon and never miss an update from Movies Adda. जैकलीन फर्नांडिस और सलमान खान की दोस्ती काफी गहरी है और सलमान अक्सर इस श्रीलंकन ब्यूटी को एडवाइस देते रहते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि इस बार जैकी ने दी है सल्लू भाई को एडवाइस? जी हाँ, सलमान खान के साथ कई फिल्मों में काम करने के अलावा जैकी उनके इंटरनेशनल कॉन्सर्ट द बैंक का भी हिस्सा है और उनके साथ ग्लोब ट्रॉट करते हुए उन्होंने देखा कि सलमान हमेशा ही एक्टिव और अलर्ट रहते हैं। इतना ही नहीं, वो अपनी शूटिंग्स और स्केड्यूल्स का भी बखूबी ध्यान रखते हैं और साथ ही जब भी कोई उनसे मिलने उनके घर या सेट पर आता है तो वो उनके साथ ही समय बिताते हैं। ऐसे में नींद और सलमान का मानो आंख मिचोली जैसा रिश्ता है। सलमान की एज फैक्टर को कंसिडर करते हुए और उनके हेक्टिक स्केड्यूल को देखते हुए जैकी ने कहा, सलमान इज ईदर ऑन अ फ्लाइट और ही इज ट्रैवलिंग टू द सेट ऑफ बिग बॉस और शूटिंग फॉर अ फिल्म एट एन इवेंट। ही इज ऑलवेज वर्किंग, ही नीड्स टू स्लो डाउन एंड स्लीप मोर। वेल, अपनी वेल विशर और क्लोज फ्रेंड की इस एडवाइस को क्या दबंग खान कंसिडर करेंगे या ऐसे ही अपने एक के बाद एक कमिटमेंट्स को पूरा करते रहेंगे? आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें जरूर बताएं। बिग बॉस के घर में आज होने वाली है बहुत ज्यादा डांट फटकार। कहीं ना कहीं लास्ट वीकेंड का वार होने वाला है ये, और ऐसे में सिद्धार्थ शुक्ला से लेकर पारस छाबड़ा से लेकर आसिम रियाज से लेकर रश्मि, आरती, माहिरा, शहनाज सभी को सलमान से थोड़ी 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 डांट आज जरूर पड़ने वाली है। हालांकि पड़ने नहीं चाहिए थी। सलमान ने पारस छाबड़ा को डांट लगाई है, वो भी बहुत जोर शोरों से, क्योंकि उन्होंने टास्क रुइन करने की कोशिश की। अगर आप हार जाते हो तो आप टास्क को कंटिन्यू करो, आप सामने वाले को वापस हराने की कोशिश करो, ना कि टास्क को रद्द कराओ। ये आपका पेशा बन गया है टास्क को रद्द कराना। अगर आपको लगता है टास्क रद्द कराना ही सिर्फ सलूशन है तो फिर कोई टास्क दिए ही नहीं जाने चाहिए बिग बॉस के जरिए। तो कुछ इस तरीके से सलमान खान ने खूब डांट फटकार लगाई है पारस छाबड़ा को, क्योंकि हमने हर बार देखा है पारस जो है वो हर बार इस तरह की चीज़ें करते हैं और टास्क कहीं ना कहीं रद्द कराने की कोशिश करते हैं, और अगर वो नहीं जीत रहे तो वो टास्क रद्द करा देते हैं। और इसी चीज़ पर सलमान ने डांट लगाई है कि सिर्फ वही नहीं, बिग बॉस की प्रॉपर्टी का भी लॉस किया उन्होंने, चीज़ें फेंकी जो टास्क के लिए प्रॉप्स भेजे गए थे उन्हें भी नष्ट करने की कोशिश की। तो कहीं ना कहीं ये जो बिहेवियर था वॉज नॉट करेक्ट, और इसी को लेकर सलमान खान ने खूब डांटा है पारस छाबड़ा को, जो कि हम आज देखने वाले हैं। सो हाउ मच आर यू एक्साइटेड फॉर दिस? कॉमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइए। This is Jyoti Naha signing off. हेलो गाइज, दिस इज ज्योति नाहक एंड वेलकम टू मूवीज अड्डा। वेल, बिग बॉस का ये सबसे ज़्यादा एक्सटेंडेड सीजन है और सबसे ज़्यादा लव्ड सीजन भी है। इतना ज़्यादा एक्सटेंड हो चुका है ये सीज़न कि अब ऐसा लगता है कि ये हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका है बिग बॉस का ये सीज़न। और जब ये ख़त्म होगा तो कहीं ना कहीं सारे फैंस थोड़ा सा निराश तो ज़रूर होंगे, लेकिन 4.5 महीने तक ये लंबा सफ़र चलने के बाद अब फाइनली ग्रैंड फिनाले बहुत नज़दीक है। और आज है सैटरडे, यानी कि वीकेंड का वार है। सो आज और कल अगर मैं बात करूँ, वीकेंड का वार का शूट हुआ जहाँ पर सलमान खान ज़रा से इमोशनल से नज़र आए। जी हाँ, बातचीत जब हो रही थी वीकेंड का वार के शूट पर सलमान और कंटेस्टेंट्स के बीच में, तो कंटेस्टेंट्स भी थोड़ा सा हालांकि खुश भी हैं क्योंकि उन्हें घर से बाहर निकलने का मौका मिलेगा, लेकिन फिर भी ज़रा सा एक सैडनेस होता है कि इतनी खूबसूरत जर्नी, रोलर कोस्टर राइड, इमोशनल रोलर कोस्टर राइड अब ख़त्म होने को जा रही है। तो घर के अंदर ऑलरेडी कंटेस्टेंट्स जो है ये बातें करते नजर आ रहे हैं, बस 10 दिन बचे हैं, 9 दिन बचे, दे लिटरली काउंटिंग ऑन डेज। और ऐसे में सलमान खान भी ज़रा से अपसेट नजर आए सेट्स पर, ये कहते नजर आए कि दिस हैज़ बीन अ गुड सीजन, एंड हल्की सी आंखें जो है सलमान की नम हो गई थी, जैसे हमने पिछले वीकेंड का वार पर भी देखा था। सलमान खान शहबाज की बातों पर हंसते हंसते उन्होंने कहा कि यू नो दिस हैज़ बीन अ गुड सीज़न, एंड झगड़ा भी हुआ है, डांटा भी है मैंने तुम लोग को, प्यार भी किया है और समझाया भी है, संभाला भी है, बट दिस सीज़न हैज़ बीन अ गुड सीज़न। सो कहना कि सलमान का भी ये फेवरेट सीज़न है और सलमान भी बहुत ही ज़्यादा भावुक हो गए सेट्स पर, क्योंकि बस कुछ ही दिन बाकी हैं फिनाले में, यानी कि 15 फरवरी को फिनाले है, आज है 8, यानी कि लगभग सिर्फ एक हफ्ता बाकी है, अगला वीकेंड जो होगा वो फिनाले होगा। सो कहते वक्त भी मुझे ज़रा सा बुरा लग रहा है क्योंकि सीज़न ख़त्म हो जाएगा, एंड बिग बॉस इज़ यू कैन हेट इट, यू कैन लव इट, बट यू कांट इग्नोर इट, इट्स एज सिंपल एज दैट। सो क्या कहना है आपका? अब बिग बॉस जो है वो ख़त्म होने जा रहा है, बिग बॉस के इस एंड पर आप क्या कहना चाहेंगे? कॉमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताइए। दिस इज़ ज्योति नाहा साइनिंग ऑफ।
सलमान खान ने डांट लगाई है वापस से आसिम रियाज और रश्मि देसाई को। जी हाँ, थोड़े दिन पहले जब वीकेंड का वार हुए थे, किसी एक वीकेंड का वार एपिसोड पर हमने देखा था, सलमान खान ने रश्मि और आसिम दोनों को ही ब्लेम किया था, कहना कि अगर आपको लगता है चैनल सिद्धार्थ को फेवर कर रहा है तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और हाल ही में टास्क के दौरान ये चीज़ वापस हुई, जहाँ हमने देखा कि इस तरह के र्यूमर्स आ रहे हैं कि सिद्धार्थ को फेवर किया जा रहा है। रश्मि भी कहती नजर आई और आसिम भी कहते नजर आए कि हम करेंगे, तो अनाउंसमेंट आ जाती है, और सिद्धार्थ करता है तो कोई अनाउंसमेंट नहीं आती। अब इस चीज पर सलमान खान ने रश्मि देसाई और आसिम रियाज दोनों को ही डांट लगाई है, दोनों से ही कहा है इस बात को कि आप लोग कौन होते हैं ये चीजें बोलने वाले, और चैनल बाइज्ड नहीं है सिद्धार्थ की तरफ। उन्होंने सबकी सावधानी के लिए ये स्टेटमेंट्स दी थी, सबकी सावधानी के लिए रोक टोक लगाई थी। कुछ इस तरीके से सलमान खान ने जो है खूब डांटा है आसिम रियाज को, और उन्हें इस बात के लिए डांटा है कि वो चैनल पर बायस्ड होने का इल्ज़ाम लगा रहे हैं और फेवरिज्म का इल्ज़ाम लगा रहे हैं, जो कि बहुत बड़ा स्टेटमेंट होता है, और ये पहली बार नहीं दूसरी तीसरी बार हो रहा है, इसलिए सलमान ने बहुत ही ज़्यादा डांटा है। वेल, इसी तरह के लेटेस्ट सारे बिग बॉस के अपडेट्स आपके पास लेकर आती रहूंगी, लेकिन उसके लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा हमारे चैनल मूवीज अड्डा को। मैं हूं ज्योति नाहक, साइनिंग ऑफ। एज फार एज सलमान इज कंसर्न, यस, वो मुझे हमेशा अप्रिशिएट करते हैं। जब भी मैं बिग बॉस के सेट पे भी उनसे मिलती हूँ, उनके उनके पर्सनल स्पेस में हम बात करते हैं, उनके शैले में जाके वी चैट, एंड ही इज़ ऑलवेज बीन वेरी वेरी सपोर्टिव, सही एडवाइस करते हैं। ही वॉज वेरी वेरी हैप्पी फॉर मी व्हेन आई टोल्ड हिम अबाउट द फिल्म एंड द वे ही प्रमोटेड ऑन स्टेज, द वे ही वॉज अप्रिशिएटिंग मी। नाउ एवरीथिंग इज़ नॉट टेलीकास्टेड, but there was a lot of appreciation, I could see that he was very happy for me ki finally jahan se tumne apni journey shuru ki as a contestant, aaj tum as a celebrity guest wahan apni film promote karne aayi ho, so it's an achievement and I actually dreamt about it, so that's happening, so yeah। तापसी पन्नू अपनी हर फिल्म से अपनी छाप छोड़ जाती है। फिल्म पिंक में उनकी हार्ड हिटिंग एक्टिंग ने सभी का दिल जीत लिया था, और उसके बाद तापसी कई फिल्मों का हिस्सा भी बनी। इन दिनों वो अपनी फिल्म थप्पड़ के प्रमोशंस में बिजी हैं, और प्रमोशंस के दौरान भी वो कभी वायलेंस को इंडोर्स नहीं करती। आप सबको याद होगा कि शाहिद कपूर की फिल्म कबीर सिंह पर भी तापसी ने कई सवाल उठाए थे, क्योंकि फिल्म में फीमेल प्रोटैगनिस्ट के खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस को ग्लोरीफाई किया गया था। और अब तापसी ने एक इंटरव्यू के दौरान सलमान खान के कॉन्ट्रोवर्शियल रियलिटी शो बिग बॉस 13 को भी किया जम के स्लैम। जी हाँ, तापसी को एंटरटेनमेंट के नाम पर हो रहे वायलेंस की इस ट्रेंड से काफी नाराजगी है, और उन्होंने खुले लफ्जों में इसको अपोज भी किया। तापसी ने कहा, व्हाई आर पीपल एंजॉयिंग दिस काइंड ऑफ वायलेंस, इट्स नॉट फन, इफ इट हैपेंस टू अस वी डोंट फाइंड इट टू बी फन, इट्स एंटरटेनमेंट फॉर अस ओनली इफ इट हैपेंस टू अदर्स, सो वी नीड टू टर्न द टेबल्स एंड सी व्हाट इफ वी वर स्टैंडिंग देयर एंड इट वाज हैपनिंग टू अस, देन ओनली आवर ओपिनियंस विल स्टार्ट चेंजिंग, इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम बट समवन हैज टू स्टार्ट डूइंग इट, आई जस्ट कांट लीव इट जस्ट बिकॉज द मासेस आर एक्चुअली फॉलोइंग समथिंग दैट इज अगेंस्ट माई बिलीव्स, दैट डजंट मीन आई वोंट पुट माई बिलीव्स आउट देयर। अब टीआरपीज के चार्ट्स पर छाए हुए बिग बॉस 13 ने तो इस बार मड स्लिंगिंग और वायलेंस के रिकॉर्ड्स तोड़े हैं, फिर भी फैंस इस सीजन को बेहद पसंद कर रहे हैं। ऐसे में तापसी के कॉन्ट्रास्टिंग व्यूज को जानकर आपको कैसा लगा हमें बताना न भूले। बिग बॉस के घर की सबसे इंटरेस्टिंग फाइट होती है जब भी आसिम और सिद्धार्थ शुक्ला लड़ते हैं। जी हाँ, दो किंग एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं ऐसा लगता है, और इस बार वापस इनकी लड़ाई हुई है। वेल, घर में इम्यूनिटी टास्क कंटिन्यूसली चल रहे हैं, चाहे अगर हम कछुए वाले टास्क की बात करें, फिर आज एक और टास्क आने वाला है जहाँ अपनी इम्यूनिटी बचानी है। ऐसे में घर के तीन जो इम्यून कंटेस्टेंट्स हैं, ऑलरेडी इम्यून है जो सिद्धार्थ शुक्ला, आसिम रियाज और रश्मि देसाई, ये तीनों ही कंटेस्टेंट्स जो हैं, इनको चांस है घर में किसी और को बचाने का, जहाँ पर सिद्धार्थ अपनी तरफ से कहते हैं कि वो बचाना चाहते हैं पारस को। क्वाइट शॉकिंग,
फिर आसिम कहते हैं मैं आरती को बचाना चाहता हूँ, और शहनाज को बचाने के लिए रश्मि देसाई खेलती हैं। अब यहाँ पर आसिम और रश्मि वर्सेस सिद्धार्थ शुक्ला वापस हो जाता है, और कहीं ना कहीं ये जो दोनों ही लोग हैं आपस में भिड़ पड़ते हैं वापस से। अगेन द मच अवेटेड फाइट, जो कि सभी देख देख कर थक भी चुके हैं, पक भी चुके हैं, फिर भी देखते हैं बार बार, वो है आसिम रियाज और सिद्धार्थ शुक्ला के बीच की लड़ाई। और वही लड़ाई वापस होती है जहाँ पर हम देखते हैं सिद्धार्थ शुक्ला किस तरीके से आसिम रियाज से कहते हैं जो करना है कर ले, वहीं आसिम कहते हैं कि फाड़ दूंगा तुझे बीच से। इस तरह की तमाम चीज़ें, तमाम लड़ाइयाँ होती हैं दोनों के बीच में। कहीं ना कहीं ये लड़ाई हमें आज देखने को मिलेगी, और ये लड़ाई किस हद तक आगे जाती है ये तो एपिसोड देखने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन इतना ज़रूर समझ में आ गया है कि बस चिंगारी लगनी चाहिए जो, और बाकी की ये जो दोनों लोग हैं सिद्धार्थ और आसिम, ये इसको ज्वाला में कन्वर्ट कर देते हैं। जी हाँ, और ये ज्वाला आज हमें देखने को मिलेगी। सो मैं एक्साइटेड हूँ भी नहीं भी, बट आप लोग कितना एक्साइटेड है ये आप बताइए कमेंट सेक्शन में। दिस इज ज्योति नाहा साइनिंग ऑफ।